कैसे हुई और उसमें अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, और क्या कार्रवाई की जा रही है सर? देखिए, इलाहाबाद की घटना बड़ी दुखद है और घटना की शुरुआत एक बहुत छोटे से उसको लेके हुई है, इशू को लेके हुई है, जिसमें कि आपस में कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद जब फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट पे जब गए तो वहाँ पर कुर्सी मेज फेंकी गई एक दूसरे पर, और इसी में दिलीप को चोटें लगी। वहाँ का वेटर था मुन्ना चौहान, उसने रॉड से वहाँ उसको मार दिया। उसके बाद ये टीटी जो है विजय शंकर सिंह और उसके साथियों ने उसको बड़ी निर्दयता के साथ उसको पीटा पाटा है रॉडों से, जिसका सीसीटीवी फुटेज में सारा पूरा पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है वो कैप्चर्ड है। उसके आधार पे हम लोगों ने पूरे घटना को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। मुन्ना चौहान इसमें ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है। होटल का जो मालिक या मैनेजर है उपाध्याय, उसको भी पकड़ लिया गया है, उससे भी गहन पूछताछ चल रही है। और जो विजय शंकर सिंह नाम का जो व्यक्ति है, जो मुख्य अभियुक्त है इसमें, वो टीटी बताया गया है और उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई है। बोलते हैं वो सुल्तानपुर का रहने वाला बताया गया है और अतिशीघ्र उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की करीब 3 से 4 टीमें लगी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि आज रात तक उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पूरे प्रकरण का पट्टाक्षेप हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से विभत्स तरीके से कांड हुआ है वो बहुत ही जघन्य है और बहुत ही निंदनीय है, और हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि कठोर से कठोर सजा इन अभियुक्तों